ईरान पर हमला। क्या अमेरिका ने मंसूबा बंदी के तहत इसराइल को मरवाया? अमेरिका बहादुर ने इसराइल को ईरान पर हमले से क्यों ना रोका? तहलका खेज खबर आ गई। अमेरिकी मीडिया ने हुकाम के हवाले से कहा है कि अमेरिका को इसराइल की जानिब से ईरान पर मुबैना हमले की पेशगी इतला मिली थी, लेकिन उसने ऑपरेशन की तौसीक नहीं की और न ही इस पर अमल दरामद में कोई किरदार अदा किया। अमेरिकी मीडिया NBC और CNN ने इस मामले से वाकिफ ज़राए और एक अमेरिकी अहलकार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल ने वाशिंगटन को हमले की पेशगी इतला दी थी। मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क्स ने हुकाम का हवाला देते हुए तस्दीक की कि हमला ईरान के अंदर हुआ। CNN ने एक अहलकार के हवाले से बताया कि हदफ जौहरी तनसीब नहीं थी। जुमेरात को इसराइल ने अमेरिका को मुतला किया था कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। CNN के मुताबिक अहलकार ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई की तौसीक नहीं की। व्हाइट हाउस की जानिब से इसराइली हमले के बारे में फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई शहरों में अपने फिजाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया। मुल्क के सरकारी नशरियाती इदारे ने कहा है कि मरकजी शहर अस्फहान के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गयी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गयी थी।